हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग विनिंग स्ट्रेटजीज। क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं? आपका विज़न क्या है? आपका मिशन क्या है? आपके गोल्स क्या हैं? आपकी स्ट्रेटजी क्या है? एक्शन प्लान क्या है? और कैसे आपको सक्सेस मिलेगी? दोस्तों, सक्सेस हम सभी पाना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मेहनत करनी होती है, एक्शन प्लान बनाने होते हैं, और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी से, एक विजन के तहत हमें आगे बढ़ना होता है, तब जाकर हमें सक्सेस प्राप्त होती है। 15 ऑब्स्टिकल टू सक्सेस, जो कुछ रियल भी हैं और कुछ इमेजिनरी। आज मैं आपको इसी के विषय में बताने जा रही हूँ, लेकिन इसके पहले एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा जी थे और वो चाहते थे कि उनके बाद उनके बच्चों को जीवन के मूल्यों के विषय में प्राप्त जानकारी प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने अपने राज्य के कुछ गुरुओं को बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरे बच्चों को सीख देने के लिए कुछ बताइए कि उन्हें कैसे जीवन के मूल्यों की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ किताबें लिखी और राजा जी के पास आ गए और कहा कि इसमें उन्होंने वो सारी बातें लिखी हैं जिससे सफलता प्राप्त हो सकती है। बच्चों को समझाने लगे तो राजा ने कहा, मेरे बच्चे काफ़ी छोटे हैं, इतनी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। आप ऐसा करें, केवल एक ही किताब लेकर आए। वो गए और उन्होंने अपने जीवन के ज्ञान का सारा निचोड़ एक किताब में समेट दिया और राजा के पास वापस आ गए और राजा से कहा कि ये किताब है जिसमें कि हमने लिखा है कि जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। राजा ने कहा, ये किताब तो काफी मोटी है और मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाए तो वो नहीं जानेंगे कि सफलता कैसे मिलती है। ऐसा करें, केवल एक ही पेज लिखिए और उसमें वो सारी बातें लिखिए जिससे कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। उन्होंने ऐसा ही किया, पर राजा ने कहा, अगर ये पेपर भी बच्चे नहीं पढ़ पाए तो क्या होगा, आप केवल एक ही सेंटेंस हमें दे दीजिए। अब वो उन गुरुओं को काफी गुस्सा भी आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस लिखा कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, नथिंग इज फ्री, आप अपने बच्चों को केवल इसी की सीख दे दीजिए। जी हाँ, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। दोस्तों, आज का समय ऐसा चल रहा है जैसे कि कुछ मिलेगा ही नहीं। कोरोना नामक महामारी ने पूरे विश्व को घेर रखा है। एक ही चीज सुनाई देती है, स्टे एट होम, आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। लेकिन घर में इंसान रहेगा तो काम कैसे होगा? नतीजा कि सभी के काम ठप पड़ गए हैं, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, मार्केट में कुछ काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन भी ठप पड़ा है। नतीजा क्या निकल रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं बचे। लेकिन क्या किया जाए, कुछ तो करना ही होगा। तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर सक्सेस। चलिए, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊंगी कि क्या नहीं करना है। 15 ऑब्स्टिकल टू सक्सेस। पहला आता है ईगो। आपको अपना अहंकार छोड़ना होगा, लोगों के पास खुद जाकर हाथ बढ़ाना होगा। फियर ऑफ फेलियर टू सक्सेस, यानी कि सफलता और असफलता का डर और स्वाभिमान की कमी हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। हम डरते हैं कि कहीं हम असफल ना हो जाएं, इसलिए हम कोई काम ही नहीं करते हैं और नतीजा ये होता है कि हमारा समय बर्बाद हो जाता है। प्लान का ना होना, कोई योजना का ना होना। अगर आपको कोई कार्य करना है तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है एक परफेक्ट प्लान बनाने की। अगर प्लान नहीं होता है तो ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता। इसलिए सबसे पहले उठिए, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, देखिए कि आप क्या कर सकते हैं और एक उसका परफेक्ट प्लान बनाइए, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कीजिए। अपने गोल यानी कि लक्ष्यों के विषय में नाम जानना।
हम अपना समय, काफी समय बर्बाद करते हैं इधर उधर घूमकर, इधर उधर की बातें करकर, और जीवन में अपना महत्वपूर्ण समय और अपनी एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। बदलाव के लिए तैयार ना होना। दुनिया में केवल वही सफल हो पाया है जो समय के साथ बदलाव के लिए तैयार होता है। समय बदल गया है, कार्य करने के तरीके बदल गए हैं, तो हमें भी बदलाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। टाल मटोली करना। काम है लेकिन करने का मन नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया में अपने समय को बर्बाद करना, ये गलत है। दिशाहीनता। अगर आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है, तो क्या होगा कि आपके विजन क्लियर नहीं होंगे। विजन क्लियर ना होने की वजह से कभी आप राइट में जाएंगे, कभी आप लेफ्ट में जाएंगे, कभी सीधे जाएंगे, लेकिन आप सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। विजन क्लियर कीजिए। सारे काम का बोझ खुद उठाना। हम कभी अकेले सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है कि अपने दोस्त बनाइए, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ में अपने कामों को शेयर कीजिए, ताकि आप ग्रुप में काम कर सकें। ट्रेनिंग की कमी होना। कई बारी हम अपनी एनर्जी लगा देते हैं, अपना पैसा लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास उस काम की परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं होती है, इसलिए हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जरूरत से ज़्यादा कमिटमेंट करना, क्षमता से ज़्यादा अपने आप को बांध लेना। आप जानते हैं कि हम कई बारी कई सारे कामों को एक साथ शुरू कर देते हैं, जिससे हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। पैसे की लालच में आगे की ना सोचना। कभी हमें थोड़े से पैसे की ऑफर मिलती है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। दुनिया में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज की सिचुएशन में पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि कहीं किसी पैसे की लालच में हम अपने गोल को छोड़कर कहीं और तो नहीं भागे जा रहे हैं। प्राथमिकताओं की कमी होना। कई बारी कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जानते हैं कि क्या करना है। कभी सिंगर बनते हैं, कभी राइटर बनते हैं, कभी अचीवर बनते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो किसी भी एक गोल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो डिसाइड कीजिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, क्या ऐसा काम है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसी दिशा में आगे बढ़िए। आपके पास में जो भी कमियाँ हों उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी से भी कंपेयर मत करो कि लाइफ में, दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर जानता है। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, तो जानिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और जब आपको स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाए तो उसी दिशा में आगे बढ़िए। परफेक्ट प्लान के साथ आप सफल जरूर होंगे और आगे जाकर आपके जो सपने हैं उसे पूरा कर पाएंगे। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए। एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी खाली मत बैठिए, ऑलवेज डू समथिंग, कुछ भी कीजिए लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि खाली बैठने से आपका ना सिर्फ दिमाग खराब होता है लेकिन आपका शरीर भी खराब होता है। अपनी स्ट्रेंथ को खोजने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी देकर ईश्वर ने आपको जरूर पैदा किया होगा, तो खोजिए कि आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यही थी सक्सेस की रेसिपी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे लाइक कीजिए। So friends, thank you so much for watching my video. My channel is self-learning. Please मेरे videos को like कीजिए, subscribe कीजिए, और I button में मैंने अपने last videos की link दे रखी है, एक बार उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। छोटे छोटे motivational videos को लेकर मैं अपने channel में आती रहती हूँ। So this is Monisha signing off. खुश रहिए, be a good learner.
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।